Dear students, I welcome you in the course of Leadership, Emotional Intelligence and Decision Making. This is module number 263 and the topic of discussion is thinking differently. Remember, better thinking or worse thinking is not that important as compared to different thinking is important. So we have to focus upon different perspectives so that we can generate more creative and innovative ideas. अब इस क्रिएटिव थिंकिंग के लिए इस डिफरेंट थिंकिंग के लिए देर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस अपॉन. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट फिनोमिना दैट वी नीड टू टॉक अबाउट इज बेसिकली अवर मूड सेट. दैट अवर मूड सेट इज गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन अवर थिंकिंग प्रोसेसेस. हम क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, हमारे सोच के क्या क्या पहलू हैं, हमारी सोच में किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया जा रहा है, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी कि हमारा मूड, हमारा इमोशन वो उस वक्त क्या है. Because our mood and emotion is also based upon our cognitive part, our affect part, and obviously our value system. So we have to be careful about these things. The second important thing that we need to focus upon is basically that we are going to have the focus ke who is going to manage and control our emotional triggers. वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो कौन लोग हैं, वो क्या एस्पेक्ट हो सकते हैं, वो कौन से हालात और वाक़यात हो सकते हैं विच आर गोइंग टू अफेक्ट अवर इमोशंस एंड मूड्स. बिकॉज द पीपल, द प्लेसेस, द ट्रिगर्स जो कि हमारे लिए हमारे इमोशंस एंड मूड्स को शेप करेंगे, वही हमारी थिंकिंग प्रोसेसेस को शेप भी कर रहे होंगे. और क्रिएटिव थिंकिंग में इन्वॉल्व होने के लिए हमें बहुत केयरफुली सोचना है कि हाउ वी कैन कंट्रोल अवर इमोशंस. यहां पर एक और बात भी बड़ी अहम आपको जहन में रखनी है कि अ डिसीजन इज नॉट जस्ट समथिंग दैट यू हैव टू डिसाइड वन थिंग एंड दैट इज ऑल. बेसिकली डिसीजन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रीजन एंड लॉजिक, ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड मूड. तो यू हैव टू सी कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर इमोशनल परस्पेक्टिव वो क्या था, बिकॉज उस इमोशनल परस्पेक्टिव के बगैर वो डिसीजन आपके लिए अधूरा रहेगा. द रीजन बींग द फॉलोअर्स वुड नॉट बी मोटिवेटेड और एंथुजियास्टिक और एनकरेज टू फॉलो दैट डिसीजन इफ देयर इमोशंस आर नॉट इन एसोसिएशन विद व्हाट इज बींग डिसाइडेड. नाउ रिमेंबर व्हेन यू हैव टू थिंक डिफरेंटली यू हैव टू कम अप विद योर क्रिएटिव इनोवेटिव थॉट प्रोसेसेस. यू हैव टू क्रिएट अ फैंटेसी वर्ल्ड. यू हैव टू फाइंड आउट एन आउटलेट जहां पर आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर सको इमोशनली. यू हैव टू फाइंड आउट कि कहां पर आप अपनी इमोशनल एनर्जी को कंसंट्रेट कर पाते हो. देयरफॉर दोज एस्पेक्ट्स वुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर यू टू थिंक क्रिएटिवली. सो वी हैव टू बी केयरफुल कि हम अपनी एनर्जीज को कहां पर डाइवर्ट वो करते हैं. इस मकसद के लिए समटाइम्स इवन एन एक्सरसाइज इज प्लान्ड एंड दैट इज दैट यू हैव टू गो थ्रू अ वर्चुअल डे. आप अपना एक डे प्लान कर सकते हैं, उसमें आप कॉन्शियस लेवल के ऊपर अपने इमोशनल ट्रिगर्स को अपनी थिंकिंग के साथ एसोसिएट करके गुजारने की कोशिश करोगे. और इवन यू हैव टू फाइंड आउट अ जॉब जहां पर आपका इमोशनल जॉब फिट हो, जिस जॉब के साथ आप अपने आप को एसोसिएट और रिलेट कर सको, जिस जॉब को करने से आपके अंदर एक एंथुजियाज्म क्रिएट हो, जो प्रोफेशन आपके लिए सिर्फ प्रोफेशन ना हो बल्कि वो एक पैशन की शक्ल भी इख्तियार वो कर सके. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि जब तक आपका प्रोफेशन पैशन में कन्वर्ट नहीं होता तब तक आप क्रिएटिव इनोवेटिव आइडियाज को उतनी आसानी से डेमोन्स्ट्रेट वो नहीं कर पाओगे. देयरफॉर टू मेक अवर पैशन, रिमेंबर वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस, वी हैव टू थिंक डिफरेंटली, वी हैव टू थिंक क्रिएटिवली. थैंक यू.